नक बाइट हो जाए तो कभी भी झाड़ फूक हो जागुनी के चक्कर में ना जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए और अपना इलाज कराए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेक सेवर चेतन शर्मा। जैसा कि देख सकते हैं हम मौके पर पहुंच चुके हैं। आज का रेस्क्यू कॉल है हमारा तिनसुकिया कॉलेज के पास से, और घर में काफ़ी लेडीज़ लोग रहते हैं तो लेडीज़ सब डरे हुए थे, इसलिए हमें कॉल किया गया था। तो अभी चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। जो भी नए व्यूअर्स है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। और आगे भी इसी तरह मेरा ये स्नेक रेस्क्यू का काम चलता रहे और मेरा ये फैमिली इसी तरह से बढ़ता रहे, ये आशीर्वाद बना के रखेगा। तो आइए चलते हैं और स्नेक को रेस्क्यू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं पीछे आ चुका हूँ, लेकिन ये जगह पूरी तरीके से पानी से कीचड़ होकर रखा हुआ है, क्योंकि लोग जब सांप को देखे तो डर गए थे और बहुत ले मिट्टी का तेल और पानी छिड़काव किया है, तो इसीलिए जगह पूरी तरह से मतलब पूरा स्लिपरी होके है और मैं यहाँ अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और घर पे घुसते हुए मैंने दरवाज़ा के पास में अपना जूता भी खोल दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। और आप लोग देखते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो फाइनली मुझे सांप दिख चुका है, और यह है रेड इंडियन रेड स्नेक जो कि नॉन वेनमस होता है, और इनके यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं, तो इन मुर्गियों के सेंट से भी सांप आकर्षित होता है। और लकड़ियाँ काफ़ी रखे हुए हैं और सांप का फेवरेट जगह होता है लकड़ी। लकड़ी जहाँ पे आप जमा करके रखते हैं वहाँ से लकड़ी जब भी उठाएं थोड़ा झाड़ के उठाएं, क्योंकि हिला के उठाएं, क्योंकि लकड़ियों में बहुत ज़्यादा सांप घुसते हैं और लकड़ियाँ उनके बहुत ही मनपसंद जगहों में से एक है। तो सांप को पहले निकाल लेते हैं और बाहर लेके चलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे खुद पे बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ, बाहर निकल जाऊँ पहले, उसके बाद बाहर में दिखाते हैं सबको। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों की दुआ से मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, बस अब वॉच टाइम की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियोज़ को देखेंगे और आगे भी इसी तरह सपोर्ट बना के रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं स्नेक रिलीज करने के लिए आए हैं, और ये मैंने आज ही रेस्क्यू किया था तिनसुकिया कॉलेज के पास से। तो मैं कभी भी सांप को अपने घर पे नहीं रखता, सुबह का रेस्क्यू किया हो या दिन का रेस्क्यू किया हो मैं सांप को रिलीज़ कर देता हूँ, क्योंकि सांपों को भी बंद रहना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी इसीलिए हाथों हाथ ही रिलीज़ कर देता हूँ। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं इसे रिलीज़ करने के लिए आया हूँ, तो बने रहेगा वीडियो में। और हमारे यहाँ से काफ़ी दूर आना पड़ता है रिलीज़ करने के लिए, तो दिखाते हैं आप लोगों को रिलीज़ करके। यह इंडियन रेड स्नेक जो कि पूरी तरह से नॉन वेनमस होता है, उसे फटाफट रिलीज़ करते हैं और जाते हैं। तो नए व्यूअर जो भी है उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। यह है इंडियन डेड स्नेक। आप सभी देख सकते हैं यह है इंडियन डेड स्नेक। इसे मैं अभी मेरा स्नेक हैंडल करने का तरीका देखकर आप लोगों को थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगना स्वाभाविक है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने आपको रिलीज़ कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।